और हम मौजूद हैं अमेठी में, हैं मंडका में, और यहाँ पे जो आरिफ भाई हैं, और इनसे देखेंगे जो पक्षी है, सारस पक्षी है, और ये जो है लगातार पक्षियों की सेवा कर रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पे सुर्खियों में बने रहते हैं आरिफ भाई, और इनके इस मिसाल को बेमिसाल हम बताते हैं और इनसे हालांकि बात करते हैं, देख सकते हैं पक्षी सर, जो पक्षी है आपने कैसे सर, आप पक्षी के प्रति आपका प्यार और जागृति हुई? प्यार की जहाँ तक बात रही तो पशु पक्षियों से बहुत पहले से हमारे परिवार का प्यार रहा है। जैसे इससे पहले जहाँ तक पशु पक्षियों की बात रही, तो हमारे पास अगर ये वीडियो जब से मेरे पास तो 1 साल पहले से है, ये अगर ये वीडियो कहीं 2-4 छः महीने 7 महीने पहले वायरल हुआ होता तो मेरे पास जो है मेरे पास 40। अच्छा, आप देख सकते हैं पक्षी के पास हूँ, तो ये काटने का प्रयास कर रहा है और देख सकते हैं ये काट भी सकता है, लेकिन ये भाई साहब मौजूद है मौके पे और पक्षी गुस्सा जाता है कभी कभी जो है, और इससे डर रहता है कहीं आँख पे मार देगा तो फिर कुछ बोलने और कहने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, आँख पे मतलब सीधा अटैक करता है? फिर सब गाय हुआ करती थी, गौशाला थी मेरे पास जो ये बना है, ये गौशाला था आगे जो है, 40 गाय हुआ करती थी, और मतलब बकरियां हैं, कुत्ता है, मुर्गियां हैं, और ये सब पशु पक्षियों से शुरू से लगाव है हमको। और रही इसकी बात सारस की, तो ये तो हम खेत में गए थे जहां हम लोग खड़े हैं, यहां से जो 100-150 मीटर की दूरी पर है, वहाँ जो है मिला हुआ था, वो पड़ा हुआ था, तो हम गए पास में देखे थे, जख्मी हालत में था, इसका एक पैर टूटा हुआ था पूरा, तो जाके पास देखे तो फिर इसको अपने घर लेके आए हम, और उस समय इसकी इतनी हालत ख़राब थी, काटने की अवस्था में नहीं था कि हमको काट सके जी। उसके बाद अपने घर लेके आए, घर लाने के बाद जब इसका ट्रीटमेंट चालू किए देसी तरीके से घर में जो हो सकता था, तो 1-1.5 महीने के बाद इसका पैर सही हो गया, तो हम सोचे ये उड़ के चला जाएगा जी, क्योंकि जंगली पक्षी है, इंसानों के बीच में रहने वाला तो नहीं, पर ये गया नहीं, मेरे साथ रहने लगा, इतना साथ रहने लगा कि मेरे साथ खाना खाता है, मैं बाजार जाता हूँ बाइक से तो ऊपर उड़ के बाजार जाता है, मतलब सारी एक्टिविटी मेरी फॉलो करने लगा, जैसे जैसे मैं रहता हूँ वैसे वैसे ये भी रहने लगा मेरे साथ। आपकी मतलब हर अच्छी है, और ये जो है लगातार ऐसे आप लगातार वायरल हो चुके हैं और सोशल मीडिया पे धमाल मचा दिए हैं, ये सब सब आप लोगों की वजह से है जो कुछ हुआ है वायरल, सब जितने मीडिया वाले हमारे भाई बंधु हैं आप लोग हैं, आप ही लोग ना होते तो अपने जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं आप जो है। पक्षी को दर्द को समझा, उस दर्द को आपने महसूस किया उसको, मतलब तभी भी आपके पास वो जो है लगातार आपके साथ रहती है पक्षी जी। ये तो हर इंसान को चाहिए इंसानियत के नाते, इंसानियत का कोई जात धर्म नहीं होता, हर इंसान को चाहिए इंसानियत के नाते, अगर कोई मजबूर है, बीमार है, चोटिल है, जो उससे हो सकता है वो करना चाहिए, उसका फल ऊपर वाला जरूर देगा, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है जी, बिल्कुल, इसे कहावत कई गांव में, देर है ऊपर वाले के यहाँ अंधेर नहीं है, तो आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, ऊपर वाले जब दिल करेगा वो खुश कर देगा आपको जी। तो ये बताइए, ये आप जो है सोशल मीडिया पे जो कब से आप जो है मतलब ट्रेंडिंग आया है, और ये 7 दिन हो गया, 7 दिन मेरे पहला वीडियो जो वायरल हुआ तो 7 दिन हो गया आज। वीडियो आपका कैसे वायरल हुआ था? वीडियो वायरल हो गया था, हम दरअसल गए थे गौरीगंज यहाँ से थोड़ी दूर पे जी। तो एक लोग सोएब भाई हमारे हैं वो जा रहे थे 4-व्हीलर से अपने, उन्होंने वीडियो बना लिया था हमारा, वही पोस्ट कर दिया थोड़ा इंटरव्यू लेके, सुल्तानपुर टुडे चैनल से काम करते हैं वो जी। और तो उससे पहले सोएब भाई से हमारी कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी, यहीं आए तभी मुलाकात हुई उनसे हमारी, कोई परिचय नहीं था उनसे हमारा, बस वही वीडियो वायरल हो गया, शाम को डाले वो, सुबह देखे तो 8 मिलियन हो गया था वो वीडियो। क्या बात है, तो वही से वीडियो वायरल हो गया पूरे विश्व में, पूरा वर्ल्ड में ही, मतलब आप ही का चर्चा मैंने देखा है मीडिया पे, हम आप ही की चर्चा पड़ती, सारक पक्षी की चर्चा होती है जी जी, और आपकी चर्चा होगी दोनों लोग की, और आपकी आपके इस कार्य को मतलब बेमिसाल साबित कर रहे हैं लोग जो है, एक मतलब सराहना कर रहे हैं कि आपने आपने पक्षी के प्रति इस तरह से आभार जताया है लोगों में, बहुत ही ऐसे कम लोग मिलते हैं जो पक्षी और तमाम जो ऐसे जानवरों पर विशेष रूप से आप ध्यान देते हैं। हाँ, ये तो सब अलग अलग लोग होते हैं, हाथ में 5-6 उंगलियां होती हैं, सब बराबर नहीं होती, सबका अपना अपना मानना है, फिर भी इंसानियत के नाते जो हो सकता है वो हमने किया है इसके साथ, और उसका परिणाम आप आज के सामने है, ये मेरा दोस्त बनकर रह रहा है मेरे साथ 24 घंटे, मैं जहां जाता हूं ले चलते हैं पक्षी की तरफ और बढ़ते हैं अपने कैमरामैन से, कैमरा पर्सन से दिखाने का प्रयास करेंगे। सर, ये पक्षी काटेगा तो नहीं हमको? कुछ आई कॉन्टेक्ट सीधा का अटैक, सीधा सीधा काट लेगा तो है, तो फिर आँख एकदम खराब जाएगी, फिर कोई डॉक्टर नहीं सही कह पाएगा जहाँ तक हमारा मानना है, क्योंकि इसके जो चोंच है इतनी मजबूत है, समझ लोहे की है वो।
सरिया का एक। अच्छा जी सर, ये उड़ता भी है? उड़ता है, जब मैं गाड़ी से जाता हूँ, बाइक से तो मेरे सर के ऊपर उड़ता है, बाजार वजार जाता हूँ, ऐसे जब इसका दिल करता है, मैं घर में नहीं होता, कहीं चुनना जाना हो, जंगल में जाना हो भोजन की तलाश में, वहाँ चला जाता है। जब इसका दिल करता है जहाँ चला जाता है, किसी तरह से बंधा नहीं हुआ, ना किसी तरह से कैद है, एकदम आज़ाद है, जब दिल करे जहाँ जाता है। आपकी आपका घर जो है ये पहचान चुका है कि हमको? हाँ हाँ, शाम को ये वापस आ जाएगा, चाहे कहीं भी रहे, शाम कहीं भी जाएगा शाम को वापस आ जाएगा। ये दुकान पर भी टहला करता है, जैसे रोड पर चला गया टहलते हुए वापस चला आया, मतलब ऐसे अपने टहला करता है। मगर हम घर में रहेंगे जब तक, फिर तब तक ये कहीं नहीं जाएगा। जब हम घर से बाहर चले जाएंगे चुपके से, इसको पता चलेगा घर में कोई नहीं है, मतलब हम नहीं है, मतलब घर में चाहे सब लोग रहे हम नहीं रहे तो इसका मतलब कोई नहीं है। अच्छा, आपको मतलब महसूस करता है कि हैं कि नहीं? जी जी जी, जब हम नहीं रहते चला जाता है बाहर, दो दो तीन तीन घंटे बाद वापस आता है, कभी कभी एकदम शाम को वापस आता है, पर वापस जरूर आ जाता है। जी जी, तो ये बताइए आप हमारे चैनल पर क्या अपील करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश की अगर बात करें, ये देना चाहिए मानवता का, जो आपने यही संदेश है, जो कोई अगर बीमार हो, पशु पक्षी कुछ भी हो, तो लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, और एक इंसानियत के नाते, तो जब आप उनकी मदद करेंगे पशु पक्षियों के, तो ऊपर वाला कभी आपका बुरा नहीं सोचेगा, आपको अच्छा ही करेगा। बाकी तो इंसानियत के नाते धर्म भी बनता है मदद करने का, बाकी तो तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें, अपना 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 सोचना है। और हम चाहते हैं भैया कि जैसे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं कि हमारा सारस पक्षी उनको कैसे लगा, हमारी दोस्ती कैसी लगी, और इस प्यार को हम क्या नाम दें, तो उस कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं भैया। आपकी इस दोस्ती को बेमिसाल साबित हम कर रहे हैं, और आपने जिस तरह से आप एक पहचान आपने बनाया अपने सरस पक्षी के साथ, जी जी। आपका जो प्यार मोहब्बत, देखिए पक्षी के प्रति आपका मोहब्बत, पक्षी आपसे एक दूसरे से कनेक्ट होना, ये बहुत ही बड़ी बात है। पक्षी हाँ, अगर हाँ, कनेक्ट तो ठीक, हमने भी पहले कभी नहीं देखा था, ना हमने कभी सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। हम तो बस ऐसे दवा करने के लिए घर पे लाए थे, हमको थोड़ी ना पता था ये मेरे साथ रह जाएगा पक्षी। जी हम चाहते भी हैं जैसे चला जाए, अपने परिवार में रहना चाहता है चला जाए, वो पूरी तरह से आज़ाद है, कोई उसको बांध के नहीं रखे, जब जाना चाहे होगा उसको चला जाएगा, उड़ के मतलब जा सकता है, वो कहीं जाता नहीं, जाता है एक दो घंटे के लिए फिर वापस आ जाता है। और साथ ही बता दें आप अपने ज़िले का नाम भी रोशन कर रहे हैं, और लोग आपको जान रहे हैं, इतने मीडिया वाले आपके यहाँ आ रहे हैं, तो आप के जो पक्षी है तो लोगों में एक अच्छा वो संदेश भी दे रहे हैं कि भाई आपके यहाँ सब प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, ये तो दुनिया तक फैल भी रहा है आपका ये खबर जो है। ये तो सब आपने मीडिया बंधु जो भाई हैं हमारे, वही उन्हीं लोगों की वजह से सब हो रहा है, मतलब फैल रहा है, वही ना होते तो फिर कैसे सब लोगों को मैं शुक्रिया संचार करना संचार हाँ। बहुत कम्युनिकेट की हो, जी, जितना जी, जी, कम्युनिकेट जी। होता है और जो हमसे हो सकता है उसके लिए हम इसके लिए हम करते रहते हैं। बाकी जो है अपनी तरफ से जो खाना है, कब इसको कहाँ जाना है, जैसे हम इसको घुमाया करते हैं, जैसे ये घर में रहते रहते ऊब जाती है तो पंख ऐसे ऐसे करने लगते हैं, तुरंत पक्षी को जरा सा आप अपने मतलब हाथ पे अपने पास लेकर आइए। जो है तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और यासिफ भाई हैं, और ये जो है पक्षी लेकर आ रहे हैं, और पक्षी देख सकते हैं बहुत ही ख़तरनाक है और डंक भी मारता है, और ये जो है तस्वीरों में तो आप देख ही रहे हैं, इनके पास भी पक्षी खड़ी हुई है, और देखते देखते पक्षी कितना मतलब इनको प्यार देती है, दुलार देती है, पक्षी हमेशा जो है इनके इनसे जो है कनेक्ट रहती है। बहुत ही अच्छा लगा जो है। और हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है आरिफ गुजर के नाम से, उस पर हमारी यूट्यूब चैनल का भी लिंक पड़ जाए मिल जाएगा, और जिन लोगों को इनके बारे में और जानना है, दिन में क्या करती है, कैसे करती है, रोज़ डेली का अपडेट उस पर पड़ता रहता है, जाके देख लें। ठीक, और देख सकते हैं, और इन्होंने मैंने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में आपको दिखाया है, और ये मेरठ ज़िले के हैं, और ये आसिफ भाई हैं, और ये जो है अपने ज़िले का भी नाम रोशन कर रहे हैं, और पक्षी के प्रतीक जो इन्होंने मानवता दिखाया है, और इनकी जो ये काबिलियत है, हम इसको बेमिसाल साबित करते हैं। हम जैसे इस युवा को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, और मैं आपका आभारी हूं जो आपने इस तरह से पक्षी के प्रतीक आप संवेदना व्यक्त किया है, मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे युवा को इस तरह से सैल्यूट करते हैं दिल से, मतलब आप ऐसे ही सेवा करते रहिए और अपने ज़िले का अपना नाम रोशन करते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं।